नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दिल्ली हिंसा को लेकर बिहार की राजनीति लगातार गर्म है, देश की राजनीति भी लगातार गर्म है। और बीजेपी की मुश्किल ये है कि सिर्फ विपक्षी ही नहीं बल्कि सहयोगी भी आंखें तरेर रहे हैं। और बीजेपी के जिन नेताओं पर भड़काऊ बयान देने का आरोप है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी है लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान ने लगातार ऐसे बयान दिए हैं जिससे बीजेपी असहज है। चिराग पासवान ने भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और लगातार ये मांग की है। तो चिराग पासवान को बीजेपी की ओर से जवाब दे दिया गया है। खबर यही है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उन्होंने दो टूक कहा है कि दिल्ली हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेवार नहीं है या फिर बीजेपी का कोई नेता जिम्मेवार नहीं है, दिल्ली हिंसा के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि दिल्ली हिंसा के लिए कांग्रेस के नेता जिम्मेवार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके परिवार के लोगों ने दिल्ली में भड़काऊ बयानबाजी की है और अब खुद बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये एक तरह से विपक्षियों को भी जवाब है और सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी और उसके सुप्रीमो चिराग पासवान को भी जवाब है, क्योंकि चिराग पासवान भी दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं और बीजेपी के जो भड़काऊ बयान देने वाले नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और दिल्ली हिंसा का ठिकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।